इटावा यमुना नदी के तट पर सदर विधायक ने सैकड़ों लोगों के साथ मनाया गंगा उत्सव। आज शाम सूर्यास्त के पश्चात गंगा उत्सव कार्यक्रम के तहत सदर विधायक सरिता भदौरिया ने यमुना नदी पर दीप प्रज्वलित कर गंगा आरती कर सदर विधायक ने गंगा उत्सव कार्यक्रम मनाया। विधायिका ने कहा कि गंगा और यमुना हमारी धार्मिक नदियां हैं, जिनकी आरती एवं पूजा हमारी धार्मिक भावनाओं की पूर्ति होती है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं वो बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत नदियों के प्रति आम जनमानस को संवेदनशील बनाने के लिए गंगा उत्सव 2021 कार्यक्रम का आयोजन यमुना नदी के किनारे स्थित 11 रुद्री घाट पर सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा एवं सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तत्वाधान में दीपोत्सव एवं यमुना आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर विधायक सरिता भदौरिया ने वृक्षारोपण एवं यमुना आरती कर किया। कार्यक्रम में यमुना घाटों पर 5001 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विकास भदौरिया, नेता भाजपा प्रभागीय निदेशक अतुल कांत शुक्ला, उप प्रभागीय वनाधिकारी संजय सिंह, महासचिव स्कॉन पर्यावरणवीर डॉक्टर राजीव चौहान सहित डॉक्टर राजीव चौहान, सचिव स्कॉन वन्यजीव विशेषज्ञ संजीव चौहान, क्षेत्रीय वन अधिकारी बढ़पुरा अजय कुमार त्रिपाठी, वन दरोगा ताबिस अहमद, अजित पाल सिंह वन रक्षक, ज्योति वर्मा, शिवांगी सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। साथ ही देशवासियों, प्रदेशवासियों और शहरवासियों को धनतेरस और दीपावली की पर्व की शुभकामनाएं दी। दीपावली के पावन पर्व से पहले जो गंगा उत्सव कार्यक्रम है, प्रदेशवासियों के लिए, जनपदवासियों किस तरह संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दीपावली से पहले धनतेरस के दिन आज पूरे प्रदेश के लोगों ने गंगा उत्सव के कार्यक्रम में भाग लिया और हर जगह जहां पर भी गंगा है, यमुना है, हमारी जो भी धार्मिक नदियां हैं उनकी आरती करके सारे लोगों ने अपनी धार्मिक भावना की पूर्ति की है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं भारत की जनता को समर्पित की थी, गंगा हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी धार्मिक भावना की पूर्ति करती हैं और निश्चित ही गंगा और यमुना अविरल और निर्मल होनी चाहिए। और सरकार का जिस तरीके से नदियों की स्वच्छता के लिए प्रयास रहा, निश्चित ही सराहनीय प्रयास है। और आज हम सब ने गंगा और यमुना के घाटों पर आरती करके अपनी धार्मिक भावना की पूर्ति की और दीपावली की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इटावा के लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।